हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने अपने घर के पीछे तरफ जो बारी है उसके बारे में हर एक डिटेल्स आपको दिया था, कितने आम हैं, क्या है और कौन कौन सी सब्जियां लगाई गई हैं उसके बारे में भी। बट आज का वीडियो जो है उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अभी सीज़न में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं और अभी हम लोग के बारे में बहुत सारी चीज़ें लगाई गई है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इससे पहले भी बहुत सारी लगाई गई थी, बट उस टाइम मुझे वीडियो करने का मौका नहीं मिला क्योंकि बीच बीच में बरसात होती रहती है और पूरा कीचड़ हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे बीम्स लगाए गए हैं। मैं आपको बीम्स भी देखिए दिखाती हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे हुए हैं, कितने बड़े बड़े हुए हैं और बहुत सारे हुए थे। और हम लोग इसको घर में भी यूज़ करते हैं, कभी कभी इसको बेच भी दिया जाता है। और यहाँ पे बीच में टमाटर भी सब भी लगाया गया है, क्योंकि बीच बीच में खाली जगह था तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे टमाटर के पौधे भी लगाए गए हैं। और इसका साइज़ देखिए, ये बहुत बड़ा बड़ा टमाटर है। इससे पहले अगर मैं वीडियो बनाती तो हम लोग जो यहाँ पर मूली हुआ है या मूली हुआ था, अभी तो फ़िलहाल में नहीं है, तो वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के मूली थे। इतने बड़े बड़े साइज़ की, एक मूली का वज़न लगभग 3 से 4 किलो का था। बट उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई। और इधर आप देख रहे हैं यहाँ पे बंद गोभी और फूल गोभी वगैरह लगाया गया था, बट अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अभी बस बंद गोभी 2-4 ही बचे हुए हैं जिसको कि हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं। और अभी तक ये अच्छा ही हालत में है। उसके बाद इधर टमाटर भी लगाया गया है। और यहाँ पे जो आपको खाली जगह दिख रहा है ये यहाँ पे बहुत कुछ लगाया गया है जो कि अभी तक निकला नहीं है। और क्या लगाया गया है बेसिकली ये मुझे भी नहीं पता है, तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये प्याज लगाया गया है। इधर का पूरा जो एरिया है यहाँ पे पूरा प्याज लगा दिया गया है, जो कि पहले यहाँ पे आलू लगाया गया था, बट अभी पूरा हर तरफ, जिधर आपको ग्रीनरी दिख रही है हर तरफ यहाँ पे प्याज लगाया गया है। और उसके बाद ये देखिए, ये हमारी बुग्गू यहाँ पे आ चुकी है, मेरे पीछे पीछे ही हमेशा आती रहती है। और अभी भी उस वीडियो में मैंने गुनू को दिखाया था और इस वीडियो में मैंने बुग्गू को दिखाया है, तो ये लोग मेरे पीछे पीछे ही आते रहते हैं। जहाँ जाऊँगी मेरे पीछे बस ये लोग पड़ जाते हैं। तो इधर जो आपको खाली दिख रहा है, एक्चुअली ये खाली नहीं है, छोटे छोटे पौधे यहाँ पे हुए हैं जो कि यहाँ पे भी कुछ लगाया गया है। और इधर का पूरा एरिया जो मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्याज लगाया गया है। और ये कुआं तो आपको याद ही होगा, ये कुआं भी मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। और कुएं में थोड़ा पानी अभी बढ़ गया है क्योंकि बीच में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अभी बस थोड़ा सा बदलाव ये हुआ है कि यहाँ पे जो पहले एक पंप था, अब यहाँ पे 2-2 पंप्स लगा दिए गए हैं, ताकि क्योंकि बड़ा खेत है तो पानी भी ज़्यादा पटाना पड़ता है, तो पानी पटाने के लिए यहाँ पर इतना मोटा सा एक पाइप रखा गया है। और इधर भी देखिए, इधर का साइड जो है ये भी प्याज का ही है, और इधर जो है ये बैगन लगाया गया है। और बैगन के उधर अगर आप देखेंगे तो उधर भी टमाटर लगा दिया गया है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे केला का जो पौधा पहले मैंने छोटे के टाइम दिखाया था, अब ये केला बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत सारे केले के खांदी जो थे वो भी कट चुके हैं। और ये अभी एक बहुत बड़ा सा हुआ है। यहाँ पर ये पाइप आप देख रहे हैं, बहुत मोटा सा पाइप है जो कि पटाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इधर आएंगे तो यहाँ पे कड़ी पत्ता का एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और ये पेड़ बहुत साल पुराना है, बहुत ज़्यादा, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तभी से ये पेड़ हम लोग देख रहे हैं। और ये ऊपर जो है ये नेवा का पेड़ है, नेवा मीन्स कस्टर्ड एप्पल। और यहाँ पे आपको फूल दिखाई दे रहा होगा, ये कसेली गेंदा हम लोग की तरफ बोला जाता है, तो ये उसी का फ्लावर यहाँ पर बहुत सारे लगाए गए हैं। और यहाँ पर टमाटर का तो पूरा लाइन बाय लाइन यहाँ पर लगा दिया गया है। उसके बाद इधर का लाइन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे लहसुन का पौधा लगाया गया है। इधर का पूरा जो लाइन है वो लहसुन से ही भरा हुआ है। आफ्टर दैट मैं आपको एक और छोटा सा जो हम लोग का बारी है उसका वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो चलिए उसका भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है एक डलिया फ्लावर जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे और एक हुआ था जिसके पत्ते और जिसकी जो पंखुड़ियाँ थी वो झड़ चुकी है। यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे कप्स दिख रहे हैं उसमें भी कुछ कुछ बीज पापा ने लगा के रखे हैं। और इधर भी बहुत सारे हैं जो बीज अभी थोड़े थोड़े अंकुरित होकर फूल, मतलब उसके पत्ते निकल रहे हैं। और यहाँ पर ये है आपका, और भी ये जो है वो उड़हल या गुड़हल का कुछ पौधा है। और इधर जो है वो आपको बैगन का पौधा यहाँ पे दिखाई देगा, बहुत सारे यहाँ पे बैगन ही बैगन दिखाई देंगे आपको, अंदर बहुत सारा बैगन है। और अभी तो इतना ज़्यादा हो गया है कि ये मतलब बहुत पुराने भी हो जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको बैगन भी दिखाई देगा। उसके बाद ये देखिए, इधर अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे
रोज़ फ्लावर है, ये पिंक कलर का रोज़ है। उसके बाद इधर वाइट कलर का भी रोज़ आपको दिखाई देगा। फिर इधर अगर आएंगे तो बहुत सारे और भी वाइट कलर के रोज़ेस हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी दो तरह के फ्लावर्स हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये अनार का भी फूल हुआ है, शायद अनार भी उगने लगेगा थोड़ी ही दिन में, अनार का फल भी लगने लगेगा। और ये एक फूल है, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, इसको मैंने भी आज ही देखा है। और इधर भी देखिए बहुत सारे फूल यहाँ पर लगाए गए हैं, आपको बहुत सारे फूल दिखाई देंगे। बीच बीच में टमाटर लटके हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे जो पूरा इधर का सारा एरिया बस इन्हीं फूलों से भरा हुआ है, इतना ज़्यादा ये फूल हुआ है। लगभग 3-4 महीने से यहाँ पे फूल की बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। और यहाँ पे नीचे देखिए लाल लाल आपको टमाटर भी दिखाई दे रहे होंगे, ये परफेक्टली अभी पका हुआ है, तो इसको मैं एक तोड़ के अभी घर ले जाती हूँ। और उसके बाद आप देखिए आगे वीडियो को और इन्जॉय करते जाइए। अभी मैं आपको और फ्लावर्स दिखाऊंगी जो कि हम लोग के बारी के और एक पीछे तरफ जो खिले हुए हैं, जैसे कि ये देखिए, ये हम लोग आ गए यहाँ पे, बस बहुत सारे वाइट कलर के इस तरह के फ्लावर यहाँ पे खिले हुए हैं। और इस फ्लावर की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लावर है ये वाला। तो आप वीडियो को बस आगे तक देखते जाइए। ये लाल लाल और तीखे तीखे मिर्चों के साथ मैं अपना वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।